नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे लखन घनघोरिया की दिल्ली के एक निजी अस्पताल में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। घनघोरिया को स्वास्थ्य खराब होने के कारण जबलपुर से एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के एक निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया था, जहां पर की गई जांच में वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गौरतलब है कि लखन घनघोरिया 2 दिन पहले स्वास्थ्य खराब होने के कारण निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, जहां पर उनकी रिपोर्ट निगेटिव पाई गई थी। शहर की सफाई व्यवस्था से निगमायुक्त अनूप कुमार सिंह खुश नहीं है। उन्होंने इसमें और सुधार की जरूरत बताई है। संभागायुक्त और नगर निगम के प्रशासक महेश चंद्र चौधरी और निगम आयुक्त के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने ग्वारीघाट स्थित भटौली विसर्जन कुंड के निरीक्षण के साथ साथ संभाग क्रमांक 3 रामपुर, 4 छोटी लाइन फाटक, 8 भानतलैया, 9 लालमाटी, 11 सिविल लाइन और 13 मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले वार्डों का सघन रूप से निरीक्षण किया और साफ सफाई के कार्यों की जानकारी ली। जबलपुर की गढ़ा पुलिस ने कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। पिसनहारी की मढ़िया के पास रहने वाले भानु नाम के इस अपराधी पर धमकी देने से लेकर हत्या लूट जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। 23 साल के भानु पर कुल 17 मामले दर्ज हैं। थाना प्रभारी गढ़ा राकेश तिवारी का कहना है कि बीते साल ही इस पर यह कार्रवाई होनी थी, मगर कुछ कारणों के चलते ऐसा नहीं हो सका। बालक था, तब से अपराध कर रहा है। लगभग 17 अपराध हैं और 17 अपराधों में इसके हत्या का प्रयास, लूट, मारपीट करके लूटना, लोगों को दम देके पैसे लेना, शराब के लिए पैसे मांगना, कोई चीज़ का घर में घुस के मारपीट करना, साधारण मारपीट करना, धमकी देना, इस तरीके के मिसलेनियस अपराध भी हैं। तो इसकी गतिविधियों को रोकने के लिए पिछले वर्ष भी इसका NSA किया गया था, किन्हीं कारणों से वो नहीं हुआ था बीच में उसका हुआ, तो इसको पुनः इसकी गतिविधियों को रोकने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत हमने एक पुलिस अधीक्षक के माध्यम से, महोदय के माध्यम से वो पेश किए थे, जो उसमें कि माननीय जिला दंडाधिकारी द्वारा हमें इसके विरुद्ध NSA का जो है वारंट जारी हुआ। जबलपुर में सूने घरों को निशाना बनाने चोरों के लिए दस्तूर बन चुका है। शहर के आधारताल थाना क्षेत्र में ऐसे ही एक मकान को रात के अंधेरे में चोरों ने निशाना बनाया। सुबह जब लोगों की नजर मकान पर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को मामले की खबर दी। पीड़ित बगड़िया परिवार ने घर आकर पुलिस को चोरी किए गए सामान के बारे में बताया। पुलिस के अनुसार करीब 70,000 के जेवरात और 8,000 रुपए नगद चोरों ने पार कर दिए। लगभग वही 4 तोला से ऊपर ही रहा है। और चांदी का क्या क्या जोड़ी? चांदी पायल रही 2-3 जोड़ी, 1 जोड़ी 8-10 तोला रही और छोटी छोटी रही। और बच्चों का वो रहा पथ का सामान चटपट, तो ऐसे कुल मिला के वही 18 तोला तो रहा होगा। और नगद भी गया? हाँ, नगद पैसा रहा। कितना नगद? कम से कम 7-8 हज़ार रहा। मंगलवार की सुबह तक मिली रिपोर्ट्स में 4 व्यक्तियों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। कोरोना संक्रमितों में नर्मदा रोड ग्वारीघाट निवासी बेंगलोर से 17 जुलाई को जबलपुर आया 50 साल का व्यक्ति, स्टाफ क्वार्टर में रहने वाला एल्गिन अस्पताल का OT सहायक उम्र 36 साल, बड़ी महाकाली के पास गड़ा फाटक निवासी 62 वर्ष का पुरुष, सुभद्रनगर राइट टाउन निवासी 84 साल की वृद्ध शामिल हैं। दिनांक 20 जुलाई की शाम की कोरोना मीडिया ब्रीफिंग जारी की जा रही है। अभी पिछले 24 घंटों में कुल 540 सैंपल भेजे गए थे। इस प्रकार कुल अभी तक 3228 सैंपल भेजे जा चुके हैं और 39 केस 24 घंटों में पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और 19 लोगों को जो पूर्व से संक्रमित थे उनको डिस्चार्ज भी किया गया है। एक मृत्यु हुई है लास्ट 24 आवर्स में और एक और है जिसके बारे में भी हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं उनके रिपोर्ट्स के आधार पर, उसके बारे में अलग से सूचित किया जाएगा। इस प्रकार अभी तक कुल जो बचे हुए एक्टिव केस हैं जिले में वो 308 हैं। टोटल अभी तक जो डेथ्स हो चुकी हैं वो 20 हो चुकी हैं, आज की जो डेथ है उसको मिला करके, और सस्पेक्टेड व्यक्तियों की संख्या 1,059 है। कंटेनमेंट क्षेत्र जो हैं वो एक्टिव कंटेनमेंट क्षेत्र जिले में कुल 25 हैं और कुछ कंटेनमेंट क्षेत्र के जो है वो अवधि जो है 14 दिवस की वो आज और कल में समाप्त हो रही है, तो कंसोलिडेटेड उनके डी नोटिफिकेशन का आदेश आज या कल में जारी कर दिया जाएगा। कैंट चौपाटी की गुमटी क्रमांक 24 के दुकानदार को बोर्ड द्वारा बनवाई गई दीवार को तोड़ना काफी महंगा पड़ने वाला है। सोमवार को कैंट बोर्ड CEO सुब्रत पाल ने 24 घंटे का नोटिस जारी करते हुए दुकान के आवंटन को निरस्त कर जमा निधि 1,00,000 रुपए जब्त करने, बकाया किराया डैमेज शुल्क वसूले जाने के साथ दुकान पर कब्जा करने, पुलिस के साथ कार्रवाई करने को कहा है। गौरतलब है कि गुमटी क्रमांक 24 के दुकानदार ताराचंद गुप्ता ने विगत दिनों कैंट बोर्ड के द्वारा उसकी दुकान के सामने बनी दीवार को तोड़ने का प्रयास किया था।
मदन महल दमोहना का फ्लाईओवर निर्माण के लिए वृहद स्तर पर पानी की पाइपलाइन की शिफ्टिंग की जाएगी। इसकी डीपीआर भी तैयार कर ली गई है। इसके अनुसार 5 किलोमीटर सप्लाई लाइन और 1 किलोमीटर राइजिंग लाइन शिफ्ट की जाएगी। सप्लाई लाइन की शिफ्टिंग पर लगभग 3.5 करोड़ और राइजिंग लाइन की शिफ्टिंग में 6 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जिला अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 12 कार्यकर्ताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी जबलपुर निवासी युवक को जमानत देने से इनकार कर दिया है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आशीष ताम्रकार की अदालत ने युवक की जमानत अर्जी खारिज कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। जबलपुर स्थित तिलवारा घाट में टपरिया बनाकर परिवार के साथ रहकर फरारी काट रहे अर्जुन राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अर्जुन राज टपरिया में रहकर भिक्षावृत्ति कर परिवार के लिए भरण पोषण करता था। जगदीश मंदिर गड़ा फाटक निवासी अर्जुन राज उम्र 32 वर्ष को आर्म्स एक्ट के मामले में साल 2011 में गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया था। इसके अर्जुन राज जमानत पर रिहा होने के बाद तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने के कारण अर्जुन राज का गैर मियादी वारंट जारी किया गया था। बेलबाग पुलिस ने स्मैक के सौदागर गोविंद उर्फ गोलू सोनकर को उस वक्त पकड़ा है जब वह स्मैक बेचने के लिए ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। पुलिस ने गोविंद के कब्जे से लाखों रुपए की स्मैक बरामद की है। पुलिस अब आरोपी गोविंद से पूछताछ में जुटी हुई है। वह स्मैक कहां से लाता है इस आशय की जानकारी सीएसपी आरडी भारद्वाज ने दी है। पुलिस ने पीछा करते हुए गोविंद को पकड़कर जांच की तो उसके पास से 2 लाख रुपए से ज्यादा की स्मैक मिली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।